जैमसी की सारे नु खुदाम खुदा का शुक्र हो। आज फिर उसने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है कि हम लोग उसकी हजूरी में आए और जो विषय सीखने के लिए उसने हम पर फजर किया उस विषय को हम लोग सीख सकें। हालेलुया। सो बड़ी तसल्ली के साथ हम लोग एक एक बात पर गौर करते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पॉइंट हम लोग बता रहे हैं उन्हें आप जरूर लिख रहे होंगे। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप लिखोगे तभी फायदा है। जितने भी ऑनलाइन अभी तक हो चुके हैं सभी को जेएमसी की, सो अगर आप लिखोगे नहीं फिर इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये रेगुलर सर्मन नहीं है। जैसे हम लोग संडे को रेगुलर मीटिंग करते हैं या कोई विषय ले लेते हैं, ये स्टडी के विषय हैं और इनको जैसे स्कूल में स्टूडेंट हर बात को लिखते हैं उसी तरह आप लिखोगे फिर ही आपको समझ आएगा और लिखोगे फिर ही आगे आप किसी को सुना भी पाओगे। मुझे जितने लोग जानते हैं वो सभी को पता है कि मैं जब रेगुलर सर्मन देता हूँ तो मैं ना तो कोई आयत पढ़ाता हूँ जल्दी, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा आयत नहीं पढ़ाता, और फिर मैं कभी देखता भी नहीं बाइबल की तरफ और जो खुदा का रूह कहता है वही सुनाता हूँ। लेकिन ये उस तरह नहीं है, इसे हमें भी लिखना पड़ता है और आप लोगों को भी लिखना होगा क्योंकि ये स्टडी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग लिखोगे तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ समय खराब करने वाली बात हो जाएगी। सो हम लोगों ने कल 9 ऐसे प्रमाण देखे थे जो ये सिद्ध करते हैं कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। हालेलुया। सो दो अलग अलग घटनाएं होने के कारण इसमें काफी लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए वो समझ नहीं आता। तो मैं चाहूंगा खुशी थले देख लो पखा ले आने दे, मौसम अंदर गर्मी है। सो आइए हम लोग, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। सो हम लोग प्रमाण नंबर 10 पर अभी विचार करेंगे कि जब स्वर्गदूत लोगों को न्याय के लिए जमा करेंगे तो उनका पुनरुत्थान नहीं करेंगे। जब दूसरे आगमन पर स्वर्गदूत आएंगे वो समय लोगों के पुनरुत्थान का नहीं होगा, जिन्हें जमा किया जाएगा, जमा करने वालों का पुनरुत्थान नहीं है, यानी कि उनका रैप्चर नहीं है। इसलिए वो सारी घटना जो है वो एक अलग घटना को दर्शा रही है। जब रैप्चर का समय होगा उस समय दूत इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजे जाएंगे। उस समय तो संत पुलुस कहता है आँख झपकते ही, पलक झपकते ही और के और हो जाएंगे। सो जब स्वर्गदूत लोगों को न्याय के लिए जमा करेंगे तो उनका पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर नहीं होगा, जी उठना नहीं होगा और बदल जाना भी नहीं होगा। और खास बात यह है कि स्वर्गदूत जो है वो लोगों को न्याय के लिए इकट्ठा करेंगे, उनका न्याय किया जाएगा इसलिए इकट्ठा करेंगे, और दुल्हन का न्याय नहीं किया जाएगा इसलिए दुल्हन को इकट्ठा भी नहीं। दुल्हन इस जीवन में अपनी दौड़ को पूरा करेगी और पुरस्कार प्राप्त करेगी, दुल्हन न्याय के आगे पेश नहीं की जाएगी। सो यदि कोई ऐसा सोचते हैं, उनके मन में ऐसा कोई विचार है, तो उनको इस बात को फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत है कि स्वर्गदूत लोगों को न्याय के लिए इकट्ठा करेंगे, ना कि पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर के लिए नहीं। और दुल्हन तो शान के साथ उठाई जाएगी, न्याय के लिए सामने नहीं लाई जाएगी, और दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए दूतों की जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्या में कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। तो दुल्हन तो खुद तैयार है, अपने दूल्हे के इंतजार में है, इसलिए उसको इकट्ठा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजने की जरूरत नहीं है। सो जब दूसरा आगमन पर चुने हुओं को जमा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाएगा, जब दूसरे आगमन पर चुने हुओं को जमा करने के लिए स्वर्गदूतों को
भेजा जाएगा। उसका रेफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29-31। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29-31। तो कुछ ने इसको रैप्चर समझा है, जब स्वर्गदूतों को इस आयत के अनुसार भेजा जाएगा इकट्ठा करने के लिए, तो कुछ दास लोग जो हैं, कुछ सेवक लोग जो हैं, उन्होंने इसको रैप्चर समझा है। सो मैं फिर बताऊं कि जब हम लोग ऐसी बात करते हैं तो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। बाइबल को पढ़ने का, बाइबल को समझने का एक तरीका है। और किस बात पर हम लोगों ने कितना ध्यान दिया है, वहां वो बात जो है वो मायने रखती है। सो अगर कोई इस आयत का कुछ गलत बयान कर भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है या उसे आता नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा इसका अगर गलत अर्थ हुआ होगा उसने 100 बातें सही भी की होंगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अज्ञानी पुरुष है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कितना विचार किया है किस बात पर वो मायने रखती है। हालेलुया। तो अगर उन्होंने इस बात को रैप्चर समझा है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत कुछ गलत फहमी हुई है, जिसके लिए शायद वो लोग ऐसा समझ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने रेफरेंस आपको दिया कि स्वर्गदूत जो है वो न्याय के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन दुल्हन को न्याय के लिए इकट्ठा नहीं किया जाएगा। दुल्हन तो तैयार होगी कि दूल्हा कब आए और उठा ली जाए। हालेलुया। इस व्याख्या में एक बड़ी समस्या है। यदि रैप्चर इस समय होता है, जैसा कई लोग कहते हैं, तो यदि रैप्चर इस समय होता है तो फिर हमें जमा करने के लिए स्वर्गदूतों की क्या आवश्यकता है? स्वर्गदूतों की तो फिर जरूरत नहीं। यदि इस आयत के अनुसार रैप्चर होता है तो फिर बाकी जितने भी रेफरेंस हम लोगों ने देखे हैं उसके मुताबिक फिर स्वर्गदूतों की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि पलक झपकते ही होगा। तो दूतों को, दुल्हन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, न्याय के लिए इकट्ठे किए जाएंगे। सो रैप्चर में हमें स्वर्ग दूतों के हम लोग समान होंगे। जब रैप्चर होगा ना, तो वचन भी है एक, मैं बाद में आपको दे दूंगा, कि हम लोग स्वर्ग दूतों के समान होंगे। जैसा यीशु मसीह से पूछा था कि यदि, जब शादी के विषय में बात की थी ना, आई थिंक लूका की इंजील में वो वेरवा है कि जब शादी के विषय में बात की थी कि उस वो किसकी पत्नी कहलाएगी, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की व्याख्या की है कि वो उस वक्त सभी हम लोग जो हैं वो दूतों के ही समान होंगे, यानी कि स्वर्गीय बदन हमारे पास होंगे। सो पुनरुत्थान में हमें, हम तो स्वर्ग दूतों के समान होंगे, जैसा मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसकी 30 वर्ष में भी लिखा है। हालेलुया। समान होंगे और अपनी इच्छा से वायु में यात्रा कर सकेंगे। स्वर्गदूतों की हमें जरूरत नहीं होगी, हम उनके समान होंगे और अपनी इच्छा से, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वैसे ही हम लोग भी जा सकेंगे। आप लोगों को कभी कभी ख्वाब आया होगा, ख्वाब में आप लोग उड़ते होंगे, ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा। सो बिल्कुल हमारी जो ख्वाब है वो हकीकत में बदलेगा, हम लोग सचमुच ही उस वक्त हवा में उड़ने योग्य होंगे। ये स्वाभाविक है, ये लोग जो जमा किए गए हैं उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। जो दूतों के द्वारा जमा किए जा रहे हैं उनका रैप्चर नहीं हुआ है, इसलिए एक बात का आप लोग फिर ध्यान दें कि उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ, इसलिए वह रैप्चर नहीं हो सकता। दूतों का लोगों को इकट्ठा करना, वो रैप्चर नहीं हो सकता। कोई भी दावा नहीं करेगा कि दुष्टों का रैप्चर होगा उस समय, जिनको न्याय के लिए इकट्ठा किया जाएगा, जिनको स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। यदि कोई ये सोचे कि उनको रैप्चर के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो दुष्टों को रैप्चर के लिए इकट्ठा नहीं किया जाएगा। भाई जगदेव सिंह जी, गुड इवनिंग हमारी ओर से भी आप सभी को। और आगे देखते हैं हम लोग, रैप्चर उस समय नहीं होगा, परंतु मत्ती की अंजील 13 अध्याय की 39 से लेकर 41 वर्ष में ये बताती है कि स्वर्गदूत ना केवल चुने हुओं को जमा करेंगे बल्कि दुष्टों को भी। ये जमा करना पुनरुत्थान नहीं है, जब दूसरा आगमन होगा। यहाँ
दुष्ट लोग न्याय के लिए इकट्ठे किए जाएंगे, वही जो दुख सहे होंगे, और जैसे इसराइल जो है एक समय सीमा के लिए उनको छिपा दिया जाएगा, सो वो लोग भी उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामने लाए जाएंगे कि आपका मसीहा आ गया है। सो वहां पर जो घटना है वो बिल्कुल रैप्चर से अलग हमारे सामने आती है। प्रमाण नंबर 11, दुष्ट व धर्मी दोनों को पहले नहीं लिया जा सकता। दुष्ट व धर्मी दोनों को पहले नहीं लिया जा सकता। पहला थसलुनीके 4:13-17 तक जब हम पढ़ते हैं, धर्मी लिए गए थे तथा दुष्ट छोड़ दिए गए थे। यदि कोई कहे धर्मी और दुष्ट दोनों को लिया जाएगा, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग दूत जब इकट्ठा करेंगे ना यीशु मसीह के जमीन पर आगमन पर, तब दुष्टों को न्याय के लिए और धर्मियों को जो उस वक्त बचे रहेंगे और उसके बाद जो अपना कीमत दे चुके होंगे उस समय के दौरान, वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश किए जाएंगे। वहां पर ग्रुप जो है वो अलग हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पर देखते हैं जब हम पहला थसलुनीके 4:13-17 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि धर्मी लिए गए हैं, दुष्ट छोड़े गए हैं। लेकिन जब स्वर्गदूतों को देखते हैं तो स्वर्गदूत धर्मी और दुष्टों दोनों को ही लेकर आते हैं, लेकिन दोनों को लाने का तरीका जो है पेश करने का वो अलग है और अलग काम के लिए पेश किए जाएंगे। मत्ती की इंजील 13:30-49 जो है, मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 13:30-49 हमें बताता है कि दुष्टों को पहले लिया जाएगा तथा धर्मी छोड़े जाएंगे। जब हम देखते हैं ना कि एक बीज बीजने वाले बीज दिया, फिर उसके बाद जंगली बूटी और दूसरी बूटी जो असली फसल थी वो भी बढ़ गई, तो वहां पर हम लोग एक खास बात हमारे सामने आती है, पॉइंट जो है रैप्चर के समय धर्मी लिए जाएंगे, दुष्ट छोड़े जाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, थसलुनीके 4:13-17 के अनुसार धर्मी लिए जाएंगे, दुष्ट छोड़े जाएंगे। मत्ती की इंजील 13:30-39 में हमें पता चलता है कि दुष्ट पहले लिए जाएंगे। थसलुनीके में धर्मी पहले लिए जाएंगे, मत्ती 13:30-39 में दुष्ट पहले लिए जाएंगे। सो यही है वो बातें जो लोगों को कन्फ्यूजन कर देती हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। मत्ती 13:30 जब हम पढ़ते हैं और 49 जब पढ़ते हैं, वहां पर दुष्ट दंड के लिए इकट्ठे किए गए हैं। लिखा है ना कि जड़ी बूटी जो है वो इकट्ठी की गई ताकि आग में झोंकी जाए। तो वहां पर भी हम इंसाफ एक न्याय को देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो धर्मी हैं उनको, लेकिन वहां पर जो शब्द आता है पहले दुष्ट लिए जाते हैं फिर धर्मियों को परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में लेकर आओ। तो वहां पर दो बातें हमारे सामने आती हैं। सो अगर आप इस पॉइंट को पूरी तरह लिख लेंगे तो किसी के साथ आप लोग बात करने के योग्य होंगे और उसको बिल्कुल क्लियर कट आप लोग समझा पाओगे। सो वहां पर देखते हैं कि बताता है कि दुष्टों को पहले लिया जाएगा तथा धर्मी छोड़े जाएंगे। वो दो भिन्न घटनाओं को दिखाता है, रैप्चर तथा दूसरा आगमन। मत्ती 13:30-39 जो है वो अलग समय में किए गए काम को, और पहला थसलुनीके 4:13-17 जो है वो अलग किए गए काम को दिखाता है। सबूत नंबर 12, यीशु व्याह से लौटता है। ये है अभी आपके लिए जो जबरदस्त उदाहरण आपको सीखने को मिलेगा कि क्या फर्क है रैप्चर में और दूसरे आगमन में और कब कब होगा। सबूत नंबर 12, यीशु विवाह से लौटता है, शादी से लौटता है। जब दूसरा आगमन पर यीशु पृथ्वी पर लौटता है तो विवाह से लौटता है। इसका रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं लूका की इंजील 12:36, विवाह से लौटता है। ये आपके लिए बहुत काम की वर्ष है, लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने उस वर्ष पर कभी शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब जब आप पढ़ोगे तो एकदम से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका मतलब ये था।
जिसके ऊपर हम लोगों ने गौर नहीं किया। लूका की अंजील उसका 12 अध्याय उसकी 36 वर्स। अते तुसी मनुखा वर्गे होवो जेड़े अपने मालक नू उड़ीकदे हन पई ओ व्याह तो कद मुड़ेगा तां जिस वेले ओ आवे अते बूहा खड़कावे ओ झट उहदे लई खोलण। धन ओ नौकर जिन्हां नू मालक जद आवे जागदिआं पावे। हालेलुया। तो यहां पर देखते हैं कि दुल्हा जो है वो विवाह से लौट रहा है। तो ये बात जो है इसराइलियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि दुल्हन स्वर्ग पर है और विवाह रचाया जाएगा अगर खुदा ने मौका दिया। तो परसों को हम देखेंगे इस बात को और आगे लेकर जाएंगे कि यीशु मसीह जो है वो जिस्मानी तौर पर यहूदी था, यहूदी कुल का था, इसलिए आत्मिक रीति से जो कुछ भी दुल्हन और यीशु मसीह के साथ होगा वो बिल्कुल यहूदा गोत्र के कानून और निजमों के अनुसार ही होगा। जैसे यहूदा गोत्र के लड़के लड़की की शादी होती है और जो भी रस्म रिवाज होते हैं, जैसे जैसे शुरुआत होती है और जैसे जैसे अंत होता है, वो सारा उनका शादी का जो सिस्टम कैसे कैसे होता है, हम लोग अगर खुदा ने चाहा तो परसों नहीं तो उसके अगले दिन हम लोग उसको खोल कर देखेंगे, फिर ये सारी बातों का जवाब हमको और स्पष्टता से मिलेगा। अभी हम लोग का 12:36 की बात कर रहे हैं तो शायद किसी के मन में कोई सवाल आ सकता है, सो वो अभी सवाल ना करे। जब हम यहूदी विवाह के रूल रेगुलेशन समझाएंगे और फिर उसको यीशु मसीह के और दुल्हन के साथ जोड़ेंगे, तब वो सारी की सारी बात आपको एकदम स्पष्टता से समझ आ जाएगी। तो यहां पर आपके लिए इतना ही काफी है कि रैप्चर जो है ना, यीशु की दुल्हन कलीसिया से विवाह हुआ, विवाह के बाद वह पृथ्वी पर लौटेगा। वहां पर लिखा है कि वो मुबारक है जो उसके विवाह के से लौटने की इंतजार करता है। सो उस वक्त दुल्हन जो है वो स्वर्ग में होगी और वो विवाह से लौटेगा, यानी कि स्वर्ग में एक शादी का जैसा माहौल होगा दुल्हन का और यीशु मसीह का, यानी कि कलीसिया और यीशु मसीह का। सो सबूत नंबर 13, यीशु हमें अपने पास ले लेगा, यीशु हमें अपने पास ले लेगा, ना कि हम उसका स्वागत करेंगे। दुल्हन में और आगमन में फर्क क्या है? दुल्हन को यीशु अपने पास ले लेगा, दूसरा रूप ना कि हम उसका स्वागत करेंगे। दुल्हन यीशु का स्वागत करने के लिए नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो दुल्हन को अपने पास ले लेगा। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ आगमन पर जो है वो उसका स्वागत करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था ना, जब उनकी सतावट का सारा भविष्यवाणी करता है, यहूदियों के साथ संग जो 70 ईस्वी में हुआ वो सारा पहले यीशु मसीह बताता है, तो बाद में फिर कहता है ना कि जब तक तुम ये ना कहो कि मुबारक है वो जो मसीह के नाम पर आता है, तो वो वाक्य जो है वो पूरा होगा, तो वो लोग स्वागत करेंगे। यीशु ने कहा वह स्वर्ग में कलीसिया के लिए एक स्थान तैयार करेगा, जैसा हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील में। आगमन वालों के लिए उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करूंगा, आगमन वाले तो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद सारी दुनिया का नाश होगा, सब कुछ होने के बाद फिर अंत में नया यरूशलम जो है वो स्थापित किया जाएगा, नई पृथ्वी नया आकाश। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं यीशु ने वहां स्वर्ग में कलीसिया के लिए एक स्थान तैयार करेगा ये कहा, फिर वह आएगा हमें अपने साथ ले के जाएगा। यीशु हमारे लिए स्वर्ग में स्थान क्यों तैयार करेगा और फिर हमें ना ले जाएगा? अगर वो स्थान तैयार करने गया है तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमको फिर ना लेकर जाए? उसने साफ कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर तुम्हें आकर ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम रहो। लेकिन अगली बात खतरनाक है जीजो, दुल्हन के लिए ये शब्द है लेकिन बाकी लोगों के लिए जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर देखते हैं नया आकाश नई धरती को मैंने स्वर्ग से उतरते हुए देखा। परमेश्वर मनुष्यों के साथ डेरा करेगा, ये शब्द उनके लिए है।
हमारे लिए ऊपर को जाना है और फिर जब उनके लिए है सब कुछ नीचे को आना है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ नीचे को आए, उससे पहले हम लोग ऊपर जाएंगे, ये वचन खोल कर बताता है। तो फिर मैं बताता हूं कि यीशु हमारे लिए स्वर्ग में स्थान क्यों तैयार करेगा और फिर हमें ना ले जाएगा, परंतु रैप्चर पर वह हमें अपने साथ लेने के लिए आएगा। ये बात याद रखना कि रैप्चर पर वो हमें अपने साथ लेने के लिए आएगा, ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी हो, यीशु मसीह ने कहा था। यानी कि स्वर्ग है वो, सीधा सीधा मैं फिर रिपीट करता हूं, सवाल है यीशु हमारे लिए स्वर्ग में स्थान क्यों तैयार करेगा और फिर हमें ना ले जाएगा, सवाल है। परंतु रैप्चर पर वह हमें अपने साथ लेने के लिए आएगा, ताकि यहां उसने कहा था यहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो यहां पर हमारे सामने एक और बात आती है कि यदि दूसरा आगमन के समय, यदि रैप्चर दूसरे आगमन के समय में होता है, तो हम बादलों तक जाएंगे और फिर एकदम पृथ्वी पर आएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है कि पहले ऊपर जाएं फिर एकदम से नीचे आए। 7 साल के समय के लिए हम लोग दुल्हे के साथ स्वर्ग में जश्न मनाएंगे। हालेलुया। सो सबूत नंबर 14, जो धीरज धरता है, जो संयम रखता है, ले लिया जाएगा, जैसा दूसरा थसलुनीके 2 अध्याय उसकी 6 और 7 वर्ष में पौलुस बताता है। दूसरा थसलुनीके 2 अध्याय उसकी 6 और 7 वर्ष, 2 की 6 और 7 वर्ष, जो संयम करता है, जो धीरज धरता है, उसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। जो धीरज धरता है उसे ले लिया जाएगा मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले। साफ साफ वहां पर लिखा है मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले। अब यदि हम क्लेश काल या महाक्लेश काल में जाते हैं, तो हमारी समझ में एक बात तो आती है, बेशक यहूदियों पर वो बात जहर होती हो या ना होती हो, हम पर ये जहर है कि जब दुल्हन ले ली जाएगी ना, पाखरू हटेगा, पाखरू हटेगा तो विरोधी मसीह आ जाएगा। वो अलग बात है, वो चलाकी के साथ अपना पहला जो रूप है ना, वो शांति दूत के रूप पर पेश करेगा, और फिर उसका असली चेहरा जो है वो आधे समय के बाद प्रकट होगा। सो जो सेम करता है उसे ले लिया जाएगा मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले। हम विश्वास करते हैं कि इसका संबंध रैप्चर से है, ये हमारा सीधा सीधा विश्वास है कि इसका संबंध जो है सीधा सीधा किसके रैप्चर से है। तथा पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से मसीह विरोधी के विश्व प्रशासक बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। पवित्र आत्मा विरोधी मसीह के उस शासन काल को उस राज्य करने के बीच में सबसे बड़ी रुकावट है। जेएमसी की आपको। सो हम लोग देखते हैं कि फिर मैं रिपीट करता हूं, संत पौलुस के बताए अनुसार जो स्वयं करता है उसे ले लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले। मसीह विरोधी क्यों प्रकट नहीं हो रहा? क्योंकि उसको एक ने रोका हुआ। रोकने वाला जब हटेगा तभी उसका राज स्थापित होगा, जितनी देर रोकने वाला हटता नहीं वो राज कर सकता नहीं। तो मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले लिया जाएगा। थसलुनीके में साफ लिखा है जब मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले ले लिया जाएगा तो फिर कष्ट में क्यों जाएगी दुल्हन? और कष्ट जो है वो तब आएगा जब दुल्हन ले जा चुकी होगी। हालेलुया। सबूत नंबर 15, भेड़ों व बकरियों का अलग किया जाना। भेड़ों और बकरियों का अलग किया जाना यदि रैप्चर दूसरे आगमन पर होता है जैसे लोग बताते हैं, तो फिर भेड़ों व बकरियों को एकदम दूसरे आगमन के बाद क्यों अलग किया जाएगा, सवाल है। फिर रिपीट करता हूं, यदि रैप्चर जो है वो दूसरे आगमन पर होता है जैसे लोग बताते हैं, तो फिर भेड़ों व बकरियों को एकदम दूसरे आगमन के बाद क्यों अलग किया जाएगा?
क्लेश पूर्व रैप्चर के साथ वह लोग जिनका रैप्चर के बाद उधार होगा उन्हें द्वितीय आगमन के बाद अलग करने की क्या आवश्यकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्लेश काल से पूर्व जो रैप्चर के साथ वह लोग जिनका रैप्चर के बाद उधार होगा नजात होगी उन्हें दूसरे आगमन के बाद अलग करने की क्या जरूरत है। फिर तो जरूरत ही कोई नहीं, इसका मतलब है कि रैप्चर पहले हो चुका है। पॉइंट नंबर 16, हजार वर्ष के राज्य में कौन होंगे, जो हजार वर्ष का राज्य होगा उसमें कौन होंगे। यदि रैप्चर दूसरे आगमन पर होता है तथा दुष्टों को उस समय नरक में डाला जाएगा तो फिर हजार वर्ष के राज्य में प्रजा कौन होंगे। जो हमारे भाई बंधु कहते हैं ना कि वो 7 साल के समय के भीतर उसके अंत में या मध्य में रैप्चर होगा, तो उनके साथ ये सवाल है, यदि रैप्चर दूसरे आगमन पर होता है तथा दुष्टों को उस समय नरक में डाला जाएगा तो फिर हजार वर्ष के राज्य में प्रजा कौन है। वो भी तो बताना चाहिए ना कि उस वक्त प्रजा कौन होगी, राज्य किस पर करना है, यदि प्रजा नहीं होगी तो राज्य किस पर करना है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। केवल लोग जो स्वाभाविक पुनरुत्थान ना पाए हुए शरीर में प्रजनन की शक्ति के साथ मत्ती 22 अध्याय उसकी 30 वर्ष के अनुसार क्लेश पूर्व रैप्चर के साथ वह लोग जिनका रैप्चर के बाद उद्धार हुआ जो यीशु के आगमन पर जीवित होंगे, जो यीशु के आगमन पर जीवित होंगे हजार वर्ष के राज्य में पृथ्वी पर होंगे। विस्तार से हम लोग आगे जाकर फिर सीखेंगे। सो ये 16 प्रमाण जो हैं अगर तो आप लोगों ने लिख लिए हैं तो मेरा ये विश्वास है कि यदि आपको कोई कहे कि ये सब कुछ जो है कष्ट या महाकष्ट के समय में होगा, क्लेश में या महाक्लेश के समय में होगा, दुख में या बड़े दुख में होगा, तो आप लोग उनके साथ ये सवाल करेंगे और मेरा यकीन है कि इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और यदि उनके अंदर मानने वाला रूह होगा तो वो इस बात को जरूर स्वीकार कर लेंगे कि वो लोग जो सोचते थे उनकी धारणा जो थी वो गलत थी। दूसरा आगमन जो है वो बाइबल का एक बहुत ही खास विषय है। जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, पहली सदी में इस विषय को बहुत ज्यादा आगे रखा जाता था। इस विषय को लोगों में बहुत ज्यादा सुनाया जाता था क्योंकि मसीहियों की सबसे बड़ी आशा है। और यही एक बात जो है हमें पूरे संसार से अलग करती है, यही एक आशा हमको इसराइल से भी अलग करती है, यही एक आशा हमें जो गुनगुने मसीही हैं उनसे भी अलग करती है, क्योंकि जिनके पास ये आशा है वही ऐसा जीवन भी जी सकते हैं। सो देखते हैं दूसरे आगमन के विषय में ये कितना खास है। इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि दूसरे आगमन के लिए 198 यानी कि 198 भविष्यवाणियां की गई हैं। दूसरे आगमन के लिए पवित्र बाइबल में 198 भविष्यवाणियां, यानी कि जिसको नबूवत बोलते हैं, उर्दू में पेशन गोई बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोफेसी बोलते हैं, 198 भविष्यवाणियां हैं दूसरे आगमन को लेकर। इतनी भविष्यवाणियां यदि एक बात को लेकर है तो यह कोई आम विषय नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों से अलग हमारे पास एक आशा है क्योंकि ऐसी आशा दूसरी दुनिया के पास नहीं है। उनका कोई भी गुरु पीर पैगंबर उनके लिए ऐसी कोई आशा छोड़कर नहीं गया। रैप्चर जैसा कोई वायदा किसी भी कौम के साथ नहीं हुआ जिनके सामने ये उम्मीद रखी गई हो कि उनको इतनी इज्जत के साथ उनका सृजनहार परमेश्वर, उनका रचने वाला परमेश्वर,
उनका क्रिएटर उनको इतनी इज्जत के साथ लेने आने वाला है। ये बहुत एक खास बात है। नंबर दो, बाइबल के पंडित लोग यानी के ज्ञानी लोग, बाइबल के वो लोग जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ बाइबल को सीखने में और पाखरू की अगुवाई में रहकर उसके प्रकाशन को जानने के लिए गुजार दिया। बाइबल ज्ञानी बताते हैं कि जो निचोड़ निकाला है उन्होंने, बाइबल में से जो निचोड़ निकाला है, वो बताते हैं कि अगर आप निचोड़ निकाल कर यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तरफ जो बातें इशारा करती हैं, जो आयत इशारा करती हैं, यदि निचोड़ निकालें तो हर 18 वर्ष में एक वर्ष जो है वो यीशु मसीह के आगमन की तरफ इशारा करती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, पास्टर कमल जी प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे जी। बाइबल हर 18 वर्ष में से एक वर्ष जो है बाइबल की, वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारा करती है। सो इस बात से भी ये समझ लेना चाहिए कि ये विषय कितना खास विषय है। और अफसोस की बात ये है कि अगर आज जो हमारे सामने हालात हैं, क्योंकि हम लोग इतने कोई अंदाजा लगाकर जैसे लोग भेद बूझ लेते हैं, ऐसे तो नहीं है हम लोग, लेकिन जो दुनिया के हालात देखते हैं उसके मुताबिक अगर देखें ना सिस्टम को, तो फिर हमारे सामने काफी कुछ समझ में आता है कि अगर देखें कि कलीसियाओं में इस विषय को प्रचार ही नहीं किया जाता, कोई 2-3% खुदा के अभिषिक्त दास हैं जो कलीसिया को इन विषयों को सिखाते हैं, बाकी जो 97% लोग हैं ना, जो 98% ही कह दे, वो लोग इन विषयों को टच भी नहीं करवाते। तो इन विषयों को टच ना करवाने के पीछे ये नहीं कि उनको पता है लेकिन जानबूझकर नहीं बताते, क्लियर कट बात है कि उनको इसके विषय में पता ही नहीं है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। आज एक मैं बड़े गुणी ज्ञानी आदमी के साथ बात कर रहा था, सेवक है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तजर्बे में मुझसे बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे उम्र के लिहाज से भी, और प्रभु में चलते हुए कम से कम उसको 45 साल से ज्यादा समय हो गया है। वो थोड़ा अलग डिनोमिनेशन से रिलेटेड है, तो जब मैंने उनके साथ इस विषय पर बात की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने कभी इस तरफ गौर किया ही नहीं। 45 साल मसीह में चलते हुए, मतलब मसीह को प्रचार करते हुए हो गए हैं 45 साल, और जब मैंने इस विषय के कुछ अंश उनको बताए तो उन्होंने साफ मुझसे कह दिया कि मैं माफी चाहता हूं, मैंने कभी इस तरफ गौर ही नहीं किया। अगर 45 साल के तजर्बे वाले बंदे की, जो 45 साल से मसीह यीशु को प्रचार कर रहा है, अगर उसका ये कहना है, तो आज जो आप लोग झुंड देख रहे हो इनका फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लो। जबकि बाइबल का खास विषय है, क्यों बताया कि 198 भविष्यवाणियां हैं इस विषय को लेकर, हर 18 आयत में, हर 18वें वर्ष में एक वर्ष जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बात की तरफ इशारा करती है। नंबर 3, यीशु मसीह आएगा, इसके बारे में सीधे और असीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर बाइबल में 3000 से ज्यादा रेफरेंस हैं। मसीह यीशु आएगा रैप्चर को लेकर और आगमन को लेकर सीधे असीधे 3000 से भी ज्यादा रेफरेंस हैं बाइबल में मिलते हैं। तो एक ही विषय को लेकर जब बाइबल किसी बात पर इतना जोर दे रही है, तो पवित्र आत्मा फिर हमको ये समझा रहा है कि इस विषय को कलीसिया के संग शेयर करना कितना जरूरी है, ये कलीसिया के लिए कितना विषय जरूरी है।
लेकिन उन कलीसियाओं का क्या होगा जिनको इस विषय के बारे में पता ही नहीं है। मुझे अफसोस होता है, जब हमने इस विषय को शुरू किया काफी लोग इस विषय को सुन रहे थे और बहुत चाव के साथ सीख रहे थे और बहुत लोग नए सिरे से तौबा भी कर रहे थे, अपने गुनाहों को फोन कर करके मैसेज कर करके अपने गुनाहों को मान रहे थे। जब इसे विषय को सुना उनके अंदर इतना डर आया और उनको पता चला कि हम लोग पवित्रता के किस मुकाम पर खड़े हैं और कहां हमको होना चाहिए। जब ये सारा सिस्टम चलने लगा तो उसी वक्त मेरे मन में ये बात आ गई थी कि ये विरोधी को किसी भी कीमत पर ये बात हजम नहीं होगी। विरोधी का मतलब कोई इंसान नहीं, मसीह विरोधी, वचन की मुखालफत करने वाला जिसे शैतान कहा जाता है, वो इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो पीछे हट गए हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, या जिन्होंने उनको हटाया उनका भी मैं कसूर नहीं मानता। ये उस विरोधी का काम है, जैसे वचन में लिखा कि हमारी लड़ाई जो है वो लहू मांस से नहीं, अंधकार की उन शक्तियों से है जो आसमानी मुकामों पर है। तो मुझे पता था कि विरोधी मसीह जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि लोगों में ये विषय जो है वो पहुंचे, क्योंकि ये विषय लोगों की नजात करने वाला विषय है। ये विषय लोगों को उनकी नजात के लिए, उनकी मुक्ति के लिए तैयार करने वाला विषय है। यदि उनके पास ये विषय नहीं पहुंचेगा वो ना उम्मीदी में ही मर जाएंगे। यदि ये विषय उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वचन के अनुसार जैसे लिखा है कि अंत समय में लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाएंगे, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। और जैसे लिखा है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है, ये उस हालात तक पहुंच जाएगा। और मैं खुद गवाह हूं, बहने खास करके, बहने अपने गुनाहों को मान रही थी फोन कर करके और अपने जीवन की वो पर्सनल गुप्त बातें मेरे से कर रही थी जो एक औरत कभी किसी को बताती नहीं है। ऐसा डर आया था इस विषय को सुनकर लोगों में, लेकिन विरोधी जो था वो अपना काम फिर भी कर ही गया, किसी न किसी को यूज कर ही गया और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हट गए। लेकिन हम अभी भी उनके लिए यही दुआ करते हैं और हम उनके खिलाफ कोई ऐसा शब्द अपने मुंह से ना अभी तक निकाला और ना निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें किसी इंसान का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं ना, तो इस किताब को ज्यादातर तो लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती। और असल में ये आखिरी किताब जो है वो विरोधी मसीह चाहता भी नहीं कि कोई पढ़े, विरोधी चाहता भी नहीं कि कलीसिया में इसको शेयर किया जाए, क्योंकि बाकी सारी जो 65 बुक्स है ना, वो सारी की सारी जो किताबें हैं वो शैतान के खौफ को बयान करती हैं कि वो कितना खतरनाक है। 65 किताबें शैतान के खौफ को प्रकट करती हैं, लोगों में उसका डर आता है। और खुद यीशु मसीह कहता है कि मैंने उसको आकाश से गिरते हुए देखा है। खुद वो कहता है कि उसका सामना करो, उसका वचन बताता है। वो पाड़ खाने वाले शेर की नाई आता है, यानी कि हर तरफ उसका खौफ है। 65 किताबें जब पढ़ते हैं तो उसका खौफ है, लेकिन जब ये 66 आखिरी बुक को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें वो लिखा है जो बाकी 65 किताबों में नहीं लिखा। इसमें उसका अंत लिखा है, इसमें उसका विनाश लिखा है, इसमें उसकी सजा लिखी है। इसमें पता चलता है कि वो भी एक दिन बर्बाद होने वाला है, इसलिए वो चाहता नहीं कि कोई इस किताब को पढ़े जिसमें उसकी कमजोरी के बारे में कलीसिया को पता चले।
और इसीलिए उन लोगों के लिए मेरे मन में बहुत दुख है जो बड़े चाव के साथ आए थे लेकिन पीछे हट गए। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि खुदा बेशक वो ऐसे भी ना आए लेकिन इस विषय को जरूर सुने ताकि वो इस ज्ञान को हासिल कर सकें और किसी न किसी तरह वो नजात पाए, वो जहां जाते हैं वहीं रहें। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो इस विषय को जरूर सुने क्योंकि उन्हीं में से हम लोगों ने देखा कि एक वीडियो अपलोड की गई कल और उसमें एक सेवक वही बातें बता रहा है जिसका हम लोग शुरू से खंडन करते आ रहे हैं। हम बताते आ रहे हैं कि रॉन्ग है और यदि उनमें से कोई सुने तो हम लोग ये भी गुजारिश करते हैं कि हर बंदा अपने आप को ठीक ठहरा देता है लेकिन हम इस बात के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हमें उनके लिए दुख है कि वो गलत राह ना पकड़ लें। इसलिए उन्होंने जो वीडियो अपलोड की है हम खुदा के उस दास से रूबरू होकर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं यदि वो हमारा टाइम उनके साथ फिक्स करें तो, ताकि कलीसिया में कोई गलत फहमी ना रह जाए। ये मत देखें कि कौन बड़ा दास है कौन छोटा है, कौन ज्यादा एजुकेटेड है कौन अनपढ़ है। कलीसिया बर्बाद ना हो इसलिए हम लोग हर एक आदमी के साथ बैठकर बातचीत करने तक के लिए तैयार हैं। हमारा कोई हंकार नहीं है, हम अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं कहते बल्कि कलीसिया के लिए दर्द है इसलिए कहते हैं। कोई इसको हमारा तमाशा समझ ले, कोई हमारा इसको ड्रामा समझ ले, ये उनका अपना सोचने का अंदाज है। कोई हमको कहे कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये अपने आप को यूं ही नंबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, हम उसके बारे में कुछ कह सकते नहीं। जिनके बीच हम लोग लगातार सेवा करते हैं वो हमारे जीवन से अच्छी तरह वाकिफ है, वो जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं कितने में नहीं है। सो हमें अपनी नेकनामी की, जैसे पलूस कहता है, हमें अपनी नेकनामी की चिट्ठी किसी दूसरे को देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जिनके बीच में प्रभु ने हमको ठहराया है वो हमारी नेकनामी की चिट्ठी खुद ही है। वो हमारे जीवन को क्योंकि जानेंगे तो हमको वही जो हमारे बीच में रहते हैं, दूसरा तो उतना ही जानेगा। यदि कोई हमारे हक में बोल देगा तो वो कहेंगे ठीक है, यदि कोई हमारे खिलाफ बोल देगा वो कहेंगे ठीक नहीं है। लेकिन जो हमको हमारे संग रहते हैं लगातार, जो हमारे जीवन से वाकिफ हैं, वो हमारी नेकनामी की चिट्ठी हैं, इसलिए हमको अपने मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी उनके लिए दर्द है क्योंकि जिसने भी तौबा करके बपतिस्मा लिया है वो मेरे पिता के घर में जन्मा है, मेरे उस आसमानी बाप के घर का वो वारिस है। वो वारिस बेदखल ना हो जाए, वो जो मेरे आसमानी पिता के घर में जन्म लेने के कारण मेरा भाई बहन है, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए हम हर तरह से अपने आप को लोगों के आगे पेश करने के लिए तैयार हैं। यदि किसी को कोई भ्रम हो कि वो ठीक कह रहे हैं या हम गलत कह रहे हैं तो हम उन सेवकों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। यदि कोई हमारी उनके साथ बैठक करवाने के लिए तैयार हो तो हम खुद अपने काम करके टिकट का अरेंजमेंट करके वहां तक पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आ जाए, कोई झूठ का सहारा ना ले और कोई झूठ के मगर ना चला जाए, बस यही हमारी गुजारिश है। सो प्यारो, जैसा मैं बता रहा हूं ये विषय कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्लीसिया के लिए कितना जरूरी है। मैंने तीन बातें बताई हैं कि 198 भविष्यवाणियां हुई हैं इस दूसरे आगमन और रैप्चर को लेकर। 18 में से हर बाइबल की जितनी आयत हैं उनमें से हर 18 में से एक आयत जो है वो इस तरफ इशारा करती है। 3000 से ज्यादा रेफरेंस सीधे और असीधे तौर पर पाए जाते हैं बाइबल में इसी बात को लेकर। सो अगली बात देखते हैं कि यूहन्ना 14:2-3 में हम लोगों ने देखा था कि इस बात की तरफ फिर किस, जब ये रेफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आगमन के बारे में जब इतना कुछ हम लोग देखते हैं कि ये खास है तो फिर इसी आगमन को लेकर बाइबल में सबसे पहले तो खुद जिसकी आशा लिए हम लोग बैठे हैं उसने वायदा किया है। नंबर एक,
यीशु मसीह ने ये वायदा तब किया, वो शिगिर्दों के साथ एक विदाई की मीटिंग थी। विदाई समझते हैं ना, जब हम एक दूसरे से अलग होने के लिए खड़े हों। वो विदाई की मीटिंग, जो खास मीटिंग शिगिर्दों के साथ की है यीशु मसीह ने, उस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह इस बात का वायदा करते हैं कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास, वहां बहुत सारी जगह है और मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं कहा इस बात को कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही काफी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ हम स्वर्ग दूतों के बारे में भी देखते हैं कि जब वो आकाश पर उठाया गया तो स्वर्ग दूतों ने भी उसके हक में ये गवाही दी, जैसे जाता देखते हो वैसे ही इसको आते हुए भी देखोगे। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया, कोई पीर पैगंबर, कोई गुरु ऐसा नहीं जो ऐसा वायदा करके गया। मैं कई बार बताता हूं, एक था हमारे लैटा वाला बाबा नूरमहल, पता है लैटा वाला कहते हैं, ऐसा ही कुछ था जी, पता नहीं। तो उसने भी बोला था कि मैं जी उठूंगा, अभी तक मेरे ख्याल से बर्फ में लगाया हुआ है, जी नहीं उठा। और सारी उम्र भी बर्फ में लगा रहे तो भी जी नहीं उठेगा। ये जो जी उठने वाला था ना, ये बताकर भी गया था तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, पूरा पूरा टाइम बताकर गया था तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो नूरमहल वाला नहीं जी उठा, वो अभी भी वैसा ही बर्फ में लगा हुआ है। ये बर्फ में नहीं लगा, ये जैसा कहा वैसा किया भी, टाइम पूरा पूरा, हर चीज का टाइमिंग था, उसी मुताबिक हुआ। जब इतना कुछ हुआ है तो फिर वो कुछ भी होगा जो इसके हक में लिखा गया है। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों ने भी, नंबर एक खुद उसने कहा, नंबर दो फरिश्तों ने कहा, नंबर तीन प्रेरितों ने भी, सभी प्रेरितों ने बारी बारी से कहा है, जिसमें खास खास हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस ने पहला थसलुनीके 4:16 में कहा, पहला क्रंथियों 16:22 में कहा, इब्रानियों उसकी 9:28 में कहा। मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि आप लोग नोट कर लें, पहला थसलुनीके 4:16 में कहा, कुरंथियों का खत उसका 16 अध्याय उसकी 22 में कहा, इब्रानियों का खत 9:28 में कहा, फिलिपियों का खत 3:20 में कहा, यहूदा की पत्री 1:14 में कहा। और ये मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, बाकी आप लोगों को मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसकी 14 वर्ष को तो हम लोगों ने पढ़ा, 15 को मैं एकदम क्लियर कर देना यहां चाहता हूं। यहूदा 1:14 में लिखा, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आता है। तो ये हमारे जो लोग कह रहे हैं ना कि वो रैप्चर उस समय जिसमें हम कह रहे हैं उसमें नहीं होगा, तो मैं इनसे पूछता हूं ये लाखों पवित्र लोग फिर कौन हैं? लाखों पवित्रों की बात क्यों की जा रही है? क्यों 19:14 में रेवलेशन में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों जकरिया 14:5 में पढ़ते हैं, क्यों यहां पर भी पढ़ते हैं, बार बार इन पवित्र लोगों का जिक्र क्यों आ रहा है? और कितनी बुद्धिहीनता की बात है कि कुछ लोग इनको बोलते नहीं, वो पवित्र लोग जो है वो स्वर्गदूतों को बोला गया है। तो मैंने कल वो भी क्लियर कर दिया था, स्वर्गदूतों को वो मलमल के महीन कपड़े जो सफेद वस्त्र हैं वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि लिखा वो धर्मियों का काम का इनाम है। तो वहां क्लियर हो जाता है कि वो स्वर्गदूत नहीं बल्कि धर्मी जन है। 15 वर्स इसको और क्लियर करती है कि वो पवित्र लोग कौन है और क्या करने के लिए और किसके साथ आए हैं। 15 में लिखा कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही थी दोषी ठहराए। अब तो आया है न्याय करने के लिए पवित्र लोगों के संग। तो पता नहीं कैसे कैसे ये लोग कहां कहां से बातें निकाल लाते हैं, हमारी तो समझ से बाहर की है। और लोग इस सच्चाई को जानने के अलावा बजाय उनको हाईलाइट कर रहे हैं जिनके पास इतना कुछ है ही नहीं, एक दो बात करते हैं उसके आगे कुछ नहीं है, और उनकी एक दो दलील को मानने के लिए तैयार हैं। हमने पूरा पलंदा ही खोल दिया है,
आज 33वां पाठ है। 33वें पाठ का मतलब है इसमें बहुत सारे जो मैसेज हैं वो दो दो डेढ़ डेढ़ घंटे के हैं और बाकी सारे एक एक सवा सवा घंटे के हैं। तो यदि टोटल मार लो ना तो 45-48 घंटे बन जाते हैं। तो 45-48 घंटे में हमने इस सब्जेक्ट को इतना खोल कर और इतने रेफरेंस दे दे कर बताया है, इस पर तवज्जो देने की बजाय वो जो जिन्होंने एक दो बात कहकर सिर्फ टच सी करवाकर निकल गए हैं और उसको भी पूरी तरह खोला नहीं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि सच्चाई को किसी तरह दबाया जा सके। लेकिन याद रखो, मैंने पिछले दिनों में भी एक पोस्ट डाली थी, सच को कितना भी हराना चाहो, याद रखो सच की खूबी है कि सच हार कर भी जीत जाता है। झूठ को कितना भी ऊंचा ले जाकर जिता दो, झूठ जीत कर भी हार जाता है। आप लोगों ने देखा ना रेसलिंग वगैरह के जो होते हैं इधर अमेरिका में, जो WWE कोई समथिंग ऐसा उसको बोलते हैं, तो आप लोगों ने वो कुश्ती जरूर देखी होगी, मैं भी देखता रहा हूं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो गलत तरीके से जीतता है ना उसके लिए हमारे मन में नफरत आती है। बेशक वो जीत भी गया हो, बेशक उसको पुरस्कार भी दे दें, यहां तो मिलेगा ऐसे गेड़ा करके, वहां पर नहीं मिलने वाला। वहां पर तो देखा आंखें ही आंखें हैं, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोई गलत तरीके से धोखा करके जीत जाता है ना, तो बाद में जीत का भी बड़ा हल्ला गुल्ला मचाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये जीत गया जी, तो अब फिर भी हमारे मन में उसके लिए वो प्रेम नहीं आता, क्योंकि उनको पता होता है गेड़ा किया है इसने चालबाजी की है। वो जो हरा होता है जिसके बारे में हम लोग देखते होते हैं कि ये जीतने वाला है, धोखे के साथ बेशक उसको हरा भी दिया गया हो तो भी लोगों की सहानुभूति जो है उसके साथ बनी रहती है, क्योंकि लोग जानते हैं जीतने वाला तो वही था। तो लोगों के दिलों में वो हारा हुआ भी जीते हुए के समान होता है, और जो धोखा करके जीतता है वो जीतने के बाद भी लोगों की नजर में हारे हुओं के ही समान होता है। सो प्यारो याद रखो, आज हमारी विरोधता कितनी भी कोई कर ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सत्य ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। जो हम बताते हैं, हो सकता है हम कोई कामल नहीं है, खुदा नहीं है, हमारे जीवन में आज भी कमियां हो सकती हैं, वो मैटर अलग है, क्योंकि हम हर रोज अंश अंश करके अपने सृजनहार परमेश्वर की सूरत पर बन रहे हैं और उसके आने तक बन जाएंगे, ये हमारा पूरी उम्मीद और हौसला है। हमारे जीवन में कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस वचन को जिसे हम सुनाते हैं इसमें हम कोई कमी छोड़ते नहीं। मैं फिर रिपीट करता हूं, कोई यदि हमारे जीवन को देखकर इसको ठुकराने की कोशिश करे तो उसके लिए हमारा ये जवाब है कि हमारे जीवन में कमियां हो सकती हैं, हम धार्मिकता का ढिंढोरा नहीं पीटते, लेकिन जो सुनाते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो यदि कोई हमारे जीवन को ठीक नहीं समझता कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, जो सुना रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, इसको मत ठुकराओ, इसे अपना लो, क्योंकि इसमें हम कोई भी मिलावट नहीं करते। सो देखते हैं कि बाइबल की लिखित के समाप्त होते होते ये बात फिर दोहराई गई है, जिसके बारे में हमने देखा ना कि 3000 से भी ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा गया, 198 भविष्यवाणियां की गई हैं, हर 18वीं आयत में से एक आयत इसी बात की तरफ इशारा करती बाइबल में। इस बाइबल को का जब अंत किया जाता है लिखित का, तो इसकी लिखित की आखिरी लाइनों में भी हम लोग उसी बात को फिर पाते हैं। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्या उसकी 22 अध्याय उसकी 20 आयत, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20, जो इन बातों की गवाही देता है, जो
इन बातों की गवाही देता है। वही जो पहले कहकर गया था ना कि मैं आऊंगा ले जाऊंगा, तो यहां पर क्या लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है, यूहन्ना लिख रहा है, वह ये कहता है हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। और आगे लिखने वाला क्या लिखता है, आमीन ऐसा ही हो, हे प्रभु यीशु आ। वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना समाप्ति करते वक्त क्या कहता है, आमीन तूने कहा है ऐसा ही हो। और फिर क्या कहता है, हां हे प्रभु यीशु आ। तो इस बात को हम लोग जब देखते हैं तो हमारे सामने कुछ खास बातें आती हैं। नंबर 5, हमारे विवेक के अंदर जो विश्वास ने अपना डेरा लगाया है, हमारे विवेक के अंदर विश्वास ने जो अपना डेरा लगाया है, वो विश्वास उस आशा को पूरा होते देखने के लिए हमें दिया गया है। जो आशा हमारे सामने रखी है ना, वो विश्वास उसी आशा को देखने के लिए दिया गया है। इसलिए जिनका विवेक काम करता है वो उस आशा की कीमत को समझते हैं। नंबर 6, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे लोगों को तैयार करने के लिए पाखुरु को भेजा गया। फिर रिपीट करता हूं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे लोगों को तैयार करने के लिए पाखुरु को भेजा गया, ताकि वो खुदा के द्वारा आने वाले उस दंड के दिन से बच जाएं। पाखुरु इसलिए भेजा गया है कि वो जो दंड का दिन आने वाला है, वो जो जिसको लोग कह रहे हैं कि क्लेश महाक्लेश के समय के बारे में, वो महाक्लेश का, क्लेश का जो दंड का समय आने वाला है, उससे उसकी कलीसिया बचे, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं, उन्हीं के लिए पवित्र आत्मा आया है और उनके लिए आया जो प्रभु यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं। तो अब एक मैं उदाहरण दूंगा, इस बात को आप लोग दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़कर आप लोग निकल गए होंगे। कल भी मैंने उसका रेफरेंस तो दिया था, लेकिन इस बात के ऊपर जोर नहीं दिया था, आज हम लोग उस बात पर जोर देते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 23, उत्पत्ति पैदाइश की किताब उसका 18 बाब उसकी 23 आयत, ध्यान दें पूरा एकदम, जैसे कहते हैं ना कुछ खास समझने के लिए जा रहे हैं। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, तब अब्राहम उसके समीप यानी के यहोवा के समीप यानी के परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा। क्या कहने लगा, एक सवाल करता है परमेश्वर से। आज यही सवाल आप उन लोगों से करें जो इस वचन को बिगाड़ कर कलीसिया का नुकसान करना चाहते हैं, जो है तो उम्र के लिहाज से बहुत तजर्बेकार, लेकिन फिर भी उन्हें वचन का प्रकाशन ना मिलने के कारण वो कलीसिया का बहुत नुकसान कर रहे हैं। सब कुछ नजर मार कर किसी बात का प्रकाशन मिलता है, किसी एक बात को लेकर हम किसी बात का निर्णय ले सकते नहीं। सो यहां पर एक बात जो निर्णय लेने वाली है वो हम सीखेंगे। तब अब्राहम यहोवा के समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच, सवाल है और शब्द आया उसमें सचमुच, सचमुच ना लगता तो ये प्रकाशन थोड़ा ढीला, थोड़ा लाइट हो जाना था, थोड़ा कम दमदार होना था, लेकिन जब सचमुच लग गया है तो एक बात पर जोर दिया गया है। तो जोर किस बात पर दे रहा है, अब्राहम हैरान है एक बात को लेकर कि परमेश्वर जो सदूम और अमूरा में करने जा रहा है,
अब्राहम जानता है कि वहां पर धर्मी लूत है, परमेश्वर भी जानता है। और अब्राहम के मन में यह भी है कि लूत को इतना समय वहां पर रहते हुए हो गया तो कुछ लोग शायद उसके जैसे भी हो गए हों, तो लूत के साथ साथ वो औरों की भी चिंता करता है, इसलिए गिनती 50 से शुरू करता है, आखिर 10 तक आ जाता है। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर जो सवाल है वो ये है, क्या सचमुच हे यहोवा परमेश्वर, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? सवाल, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? ये सवाल है जो अब्राहम पूछता है, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? 25 आयत, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। फिर खुद ही कहता है 23 आयत में, सवाल करता है, क्या तू दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? और 25 आयत में फिर एक बात पर ध्यान दिलाता है हमारा भी और खुदा से बात करते हुए, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। अब जैसे एक मित्र मित्र से बात करता ना, क्योंकि वचन कहता है कि खुदावन खुदा ने अब्राहम को दोस्त कहा, तो अब्राहम भी अब खुदा के साथ एज एक फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह ही बात कर रहा है, जैसे दोस्त दोस्त के साथ बात करता है ना, वैसे ही बात कर रहा है कि अब तूने मुझे को दोस्त तो कहा ही है, तो चल आज मैं भी दोस्त समझ कर ही, जैसे एक दोस्त, जैसे तू मुझको दोस्त समझ कर बात करता है, आज मैं भी ऐसे ही बात करूंगा जैसे एक दोस्त दोस्त के साथ बात करता है। तो अब 25 आयत में अब्राहम कहता है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। कौन सी बात तुझसे दूर रहे? अब्राहम बोल रहा है परमेश्वर को, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। एक दोस्त दोस्त को समझा रहा है। पहले तो परमेश्वर जो अब्राहम को दोस्त समझता है वो अपनी दोस्ती को पेश करता, अब अब्राहम अपनी दोस्ती को पेश करते हुए ऐसे ही बात करता है जैसे दोस्त दोस्त के साथ बात करता है और जैसे किसी को समझाया जाता है, जैसे हम एक दूसरे को अपने दोस्त को समझाते हैं वैसे समझाने के तरीके से अब्राहम बात करता है। सो क्या बात करता है? प्रे द लॉर्ड जगह जी, खुदा आपको बरकत दे। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, ये तुझे शोभा नहीं देता? तू न्यायी है, तू धर्मी है, तू न्यायी और धर्मी होते हुए ये काम कैसे कर सकता है? अब जबकि हमारा रिश्ता जो दोस्ती वाला हो ही गया है तो खुलकर बात करते हैं, तू कोई इंसान थोड़ी है जो अन्याय कर दे, तू खुदा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू न्यायी है, तू धर्मी है, तू ये कैसे कर सकता है? कैसे मुमकिन है कि तू धर्मी को अधर्मी के संग मार डाले, जहां तू उन दोनों में कोई फर्क ना समझे, ये कैसे मुमकिन है? यदि तू भी ऐसा करे तो फिर तू न्यायी काहेगा, यदि तू ऐसा करे तो फिर तू धर्मी काहेगा? इसमें कई सवाल उठते हैं, लिखा नहीं है ऐसा, लिखा जो है वो सिर्फ इतना ही लिखा है कि इस प्रकार काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये कैसे मुमकिन है? ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करेगा? सवाल है खुदा के साथ अब्राहम का, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करेगा? ये कैसे हो सकता है कि एक नगर में यदि कोई धर्मी हो तो कुधर्मी के पाप के कारण तू जो पापियों पर दंड आए उसी दंड को तू किसी धर्मी पर भी लेकर आए? ये कैसे मुमकिन है? यदि ऐसा होता है तो तू न्यायी नहीं। अब उनसे सवाल है जो कहते हैं उस दंड की सजा में धर्मी जन जाएंगे। अब उनसे सवाल है, क्या परमेश्वर न्यायी है कि नहीं?
क्या परमेश्वर धर्मी है कि नहीं। यदि वो धर्मी है, यदि वो न्यायी है, तो दुष्टों पर आने वाले दंड को वो धर्मियों पर कैसे ला सकता है? ये सवाल करें आप। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करेगा? 26 आयत, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सुदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। यदि 50 भी धर्मी मिले तो उन धर्मियों के कारण मैं पूरे सदोम अमोरा उस पूरे स्थान को ही छोड़ दूंगा। क्यों? इसलिए कि वहां पर परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाने वाला है, वहां पर परमेश्वर का दंड आने वाला है, और दंड आने का कारण है कि सदोम अमोरा का पाप तीसरे आसमान तक पहुंचा है। तो वो 7 साल का जो समय है, वो जब दुष्टों का गुनाह पूरी चरम सीमा पर होगा, उस वक्त दुष्टों पर आने वाली सजा का नाम है वो 7 साल का क्लेश। तो क्या अब्राहम की तरह अब हम भी सवाल करें उन लोगों से जो कहते हैं कि वो दंड जो है वो धर्मी भी उस दंड में जाएंगे, तो क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? यदि सदोम अमोरा के लिए उसका ऐसा फैसला है, तो उस दुल्हन के लिए जिसे उसने अपने लहू से खरीदा, उसके संग वो इतना कठोर क्यों होगा? और खास करके उस दुल्हन के संग जो अपनी कीमत देती आ रही है, जिसने अपनी पवित्रता को संभाल कर रखा, जिसने अपनी धार्मिकता को सिद्ध किया, जिसने दुख सहा, जिसने कष्ट सहा, जिसने परिवारों की फिक्र नहीं की, जिसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए लगा दिया, जिसने अपनी ख्वाहिशों को उसके संग सलीब पर लटका दिया, जो पहले ही मसीह के साथ मरा हुआ है और जो जीवन जीता है वो भी मरे हुओं की ही दशा में जीता है, तो वो बंदा उस दंड में क्यों कर जाएगा? तो अभी समय इजाज़त नहीं देता, मेरे के पास इससे भी एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है, कल उस पर गौर करेंगे, लेकिन आप उस वर्ष को पढ़ना जरूर, फिर अपने दिमाग में सोचना। इसकी एक तो डायरेक्ट बात है और एक इनडायरेक्ट बात है, तो इसके दूसरी तरफ परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है, आप लोग उस वर्ष को पढ़ना, कल फिर उस वर्ष से शुरू करेंगे। लूका की अंजील 13 अध्याय उसकी 34 वर्स, उसमें यूं लिखा है, हे यरूशलम, हे यरूशलम, तू जो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा, पर तुमने ये ना चाहा। मैं चाहता था कि तू मेरे पंखों के नीचे आ जाए। सवाल पर रोक दूंगा, यदि यरूशलम यीशु मसीह के पंखों के नीचे आ जाता तो शुरू में जो हमने यहूदियों के संग जो बीता, यहूदियों की पीड़ा जो हमने सीखी बड़ी विस्तार के साथ, यदि वो उसके पंखों के नीचे आ जाते, तो क्या 70 ईस्वी में जो कुछ उनके संग हुआ, क्या परमेश्वर वो सब कुछ उनके साथ करता? क्योंकि 70 ईस्वी में जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उन पर आने वाला दंड था, वो उन पर उनके पाप की सजा थी, और वो सजा उन्होंने खुद मांगी थी ये कहकर
कि इसका खून हम पर और हमारी संतान पर आए। तब 70 ईस्वी में परमेश्वर का दंड, उसका क्रोध उन पर उंडेला गया। घर से बेघर करके 1878 साल तक 1878 सालों तक परमेश्वर ने उनका देश, उनका घर बार, उनकी संपत्ति सब कुछ छीन कर दुनिया में बखेर डाला। वो दंड था उनके ऊपर, वो सजा थी, फिर भी अब्राहम के साथ किए हुए वायदे को परमेश्वर ने याद किया और 1948 को उनका देश उनको वापस किया। तो मेरा सवाल है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने बड़ी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी करूं, क्योंकि जो मुर्गी के पंखों के नीचे बच्चे आ जाएंगे वो सेफ हैं। यहूदी तो नहीं आए, लेकिन हम आ चुके हैं। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ जैसे दुष्टों के साथ बर्ताव करेगा, क्या परमेश्वर हमारे संग भी वैसा ही करेगा? तो जवाब है, यदि वो ऐसा करता है तो फिर वो न्यायी और धर्मी कहलाने के हकदार नहीं है। और वो धर्मी था, वो न्यायी था, वो धर्मी और न्यायी है, और वो धर्मी और न्यायी रहेगा, कहकर बदलता नहीं, पक्षपात करता नहीं, कुधर्मी के संग धर्मी को सजा नहीं देता। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। कल रात को हम लोग इस विषय को नहीं लेंगे, आप सब नोट कर लें, कल रात हम इस विषय को नहीं लेंगे। इंडिया के टाइम पर हम लोग जब रात होगी, आज हमारे यहाँ रात है तो आपके वहाँ दिन है, और अब आपका दिन जब खत्म होगा और आपके वहाँ पर रात के 9 बजेंगे, तब हम लोग ऑनलाइन उस वक्त होंगे और कल रात का नहीं लेंगे, क्योंकि हम संडे की जो रेगुलर सर्विस है उसको अमेरिका के हिसाब से दिन के टाइम करेंगे। सो हमारे इधर संडे दिन का टाइम होगा 12 बजे और आपके वहाँ पर 9:30 बजे होंगे। सो उस वक्त हम लोग इकट्ठे होंगे, और तब तक खुदा आप सबके साथ हो, आपको अपने हाथों में संभाल के रखे। और नोट कर लें, कल को हम लोग इंडिया के लिहाज से 9:30 बजे आपके सामने रूबरू होंगे, और जो रात का जो इस वक्त हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इस वक्त कल हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, फिर हम लोग मंडे को इकट्ठे होंगे सेम टाइम पर। खुदा आप सबके साथ हो, बरकत दे, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन्द खुदा, तेरे कलाम का जो बीज इन जिंदगियों में बोया गया, आने वाले समय में 100 गुना फल लाए खुदावन्द। तेरे लोग तेरे वचन की गहराई को समेते हुए अपने दिल में बसा लें खुदावन्द, और तेरे उस महान दिन के जब तू अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है खुदावन्द, बड़ी ही चौकसी से और सावधानी से खुदावन्द अपने जीवन को जीते हुए तेरे उस खुदावन्द दावत में, तेरे उस काम में खुदावन्द, तेरे उस विवाह में जो तू दुल्हन के साथ करने वाला है और जो तू दुल्हन को लेने आने वाला है, उन सभी बातों का आनंद ले सकें, तेरी कृपा को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन्द यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको खुदा बरकत दे और दुआओं में याद रखना, आमीन।